डिप्रेशन या डिप्रेस पर्सनैलिटी होना ये बहुत आम बात है, मगर यदि कोई लड़की ऐसे डिप्रेशन वाले लड़के के साथ में है तो उन्होंने पहले से ही जान लेना चाहिए कि मैं किसके साथ में हूँ रिलेशनशिप में और आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या। तो चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि डिप्रेशन शुरू तो हुआ नहीं है मगर पर्सनैलिटी डिप्रेस्ड है, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं और क्या ऐसे लड़के के साथ में रिलेशनशिप टालना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर। क्या ये बहुत सारी लड़कियां भी आजकल बहुत एकदम ओपनली बात करती है कि भाई मुझे बॉयफ्रेंड है वगैरह, और मेरे पास में आते रहते कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो जरा बातचीत नहीं करता है, गुमसुम रहता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है तो फिर बात करेगा, हंसता भी नहीं है, तो क्या मैंने शादी करना चाहिए उसके साथ में। तो फिर मैं बोलता हूँ कि देखो और क्या क्या लक्षण है, तो फिर जो बातचीत निकलती है उसमें से फिर हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको 5 बताने वाला हूँ आज, कि जो लक्षण यदि है तो आपने समझना चाहिए कि इसको एक तो लो सेल्फ एस्टीम है या डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है और ऐसे लड़के के साथ में फिर हमने रिलेशनशिप में जाना कि नहीं जाना। तो चलो आइए बात करते हैं। नंबर 1, ये लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है, जो डिप्रेस पर्सनैलिटी है इनमें कॉन्फिडेंस कम होता है और सेल्फ एस्टीम जो आत्मसम्मान वो भी कम होता है, और फिर वो ऐसा काफ़ी बार होता है कि वो कभी कभी नज़र चुकाते हैं, नज़र को नज़र नहीं मिलाते हैं, मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट टालते हैं और अपनी बात ऐसी ज़ोर से रखते नहीं है। वो कभी कभी सॉरी भी बार बार फील करते रहते हैं, सॉरी सॉरी ऐसा बार बार फील करेंगे, वो बातों को बार बार रिपीट करते हैं, कुछ कभी कभी एकदम ऐसे हड़बड़ा जाएंगे और समस्याओं का हल निकालने में उन्हें दिक्कत होंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ एस्टीम कम होती है, सॉरी फील करते हैं, बातों को रिपीट करते हैं फालतू, और हड़बड़ा जाते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर हड़बड़ा जाएंगे और समस्याओं का हल निकालने में दिक्कत आती है। तो ये कैसे देखना, मतलब बिहेवियर में कैसे दिखेगा, वो आपको 5 बातें बताता हूँ। नंबर 1, समझो आप उनके साथ में डिनर जाते हैं तो समझो मेनू कार्ड आ गया तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे, बोलेंगे देखो आपको क्या पसंद आता है, जैसा आपको पसंद आता है वैसा ऑर्डर दे दो, मतलब वो पसंद नापसंद क्या है अपने को वो भी नहीं बोलेंगे, और उनको लगता है कि मैं समझो बोलूँ कुछ और सामने वाले ने ना बोल दिया तो कि नहीं नहीं बराबर नहीं है, तो इसलिए वो बोलते ही नहीं है। मतलब सिंपल है कि डिनर के समय ऑर्डर देना तो वो बोलेंगे नहीं देखो आपको जो भी अच्छा लगता हो आप जो ऑर्डर देंगे वो खा लेंगे, ऐसा मतलब ऐसा रहता है। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग बोलने में ऐसा बोलते कि मेरा नाम मत लेना, मतलब कोई बात बताना है तो फिर बोले हाँ ये ऐसी ऐसी बात है मगर मेरा नाम मत लेना, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, या वो अपने लिए फैसला नहीं ले पाते, लोगों के लिए फैसला नहीं पाते, और फिर बोलते हाँ वो ऐसा ऐसा है मगर ये मेरा मत ऐसा मत बोलना, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसा ऐसी बात करेंगे। नंबर 3, समझो कि आप बात करते बोले हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा बोल के टॉपिक को वो टाल देंगे और टॉपिक बदल डालेंगे या समस्याओं का हल नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता ऐसा करके, मतलब वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते कोई समस्या है तो, समस्या को टाल देंगे, बाजू में करेंगे और बाद में देख लेंगे ऐसा बोल के करेंगे, तो उससे होता क्या कि एक्चुअली जब समस्या आएंगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 4, वो थैंक यू सो मच ऐसा बहुत बार बोलेंगे, उनको लगता है कि अपन कुछ तो भी कमी है और सामने वाला कुछ अपने लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो बहुत बार थैंक यू ऐसा बहुत बार थैंक यू सो मच ऐसा बोलेंगे वो, कि बहुत ज़्यादा एहसान सामने वाले ने उनके ऊपर किया हुआ है इस तरह का। नंबर 5, वो बोलेंगे आई एम सो सॉरी, मतलब ऐसा उनको बताएंगे वो कि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा आ रहा है, पछतावा महसूस कर रहे हैं, उनको लगता भी है, और छोटी छोटी बात के ऊपर वो सॉरी कहेंगे, समझता नहीं कि इतना कोई ज़रूरत नहीं है ना सॉरी बोलने की या सॉरी कहने की, एक बार बोल दिया ठीक है और इतना कुछ सॉरी करने की भी ज़रूरत नहीं, मगर वो करते हैं। तो ये जो लक्षण है ये डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के लक्षण है, लो सेल्फ एस्टीम के लक्षण है, कॉन्फिडेंस कम है उसके लक्षण है, और ये लोगों में डिप्रेशन आगे चल के हो सकता है, कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कोई बड़ा फैक्टर आ गया, कोई दिमाग के ऊपर आघात हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेंटल एक्सीडेंट मतलब, या ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, झगड़ा हो गया, रिश्तों में दरार आ गया, तो फटाक से उनको डिप्रेशन आ जाए, तो ऐसे लोगों को डायग्नोज करना चाहिए और हो सकता है तो रिश्ता टालना चाहिए, ये बेस्ट है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर तमाम वो सब नौजवान लड़के लड़कियों को शेयर करो कि जो रिलेशनशिप में आने वाले और उनको डाउट है कि सामने वाला अपना पार्टनर जो है
जो अपना लाइफ पार्टनर होने वाला है उसको हमने चूज करना कि नहीं करना। एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। मेरी आपकी आपके साथ में रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप आपका ख्याल रखो, आपका आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।